दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी में कुछ स्किल्स में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लेते हैं वहीं दूसरे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती इसका कारण यही है कि उन्हें अल्ट्रा लर्निंग की टेक्निक्स पता ही नहीं होती इसलिए अगर आपको भी अल्ट्रा लर्नर बनना है तो इन टेक्निक्स का फायदा उठाइए एक बिकम क्विक लर्नर अगर आपको अल्ट्रा लर्नर बनना है तो आपको चीजों को जल्दी सीखने की आदत डालनी होगी कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं अगर उन्हें कोई चैप्टर याद करने को दिया जाए तो वे किताब खोलने में ही काफी दिन लगा देते हैं उन्हें लगता है कल करेंगे या परसों करेंगे तो सबसे पहले इस आदत को बदलें इसका ट्रिक है कि जो चैप्टर याद करना है उसे खोल कर रख लें इस तरह से आपका दिमाग एकदम से लर्निंग स्टेट में आ जाएगा और आप पांच मिनट की बजाय आधा घंटा भी पढ़ लोगे हमेशा आधे घंटे के बाद दस मिनट की ब्रेक भी लेते रहें इससे आपका दिमाग कभी थकेगा ही नहीं और आप ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़ते रह पाओगे और दूसरों से ज्यादा लर्न कर पाओगे यही हर कंपटीशन में सफल होने का राज है इसके साथ ही बीच बीच में म्यूजिक सुनते रहें पानी पीते रहें, फूल पौधों के पास जाकर उन्हें देखें इस सब से ब्रेन तरोताजा रहता है और ज्यादा लर्न कर पाता है टू क्राफ्ट स्ट्रैटेजी फॉर अल्ट्रा लर्निंग कोई भी चीज सीखनी हो तो उसकी एक स्ट्रैटेजी बना लें जैसे अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए जैसे एक महीने तक हर दिन YouTube का वीडियो देखकर सीखें लेकिन ऐसा पंद्रह मिनट ही करें नहीं तो आप इंटरनेट के जंगल में खो जाएंगे इसके बाद छह महीने तक सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखें टाइम न हो तो हर दिन दो घंटे लिख सकते हैं उसके बाद ही सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की सोचें इस तरह से आप आराम से ब्लॉगिंग सीख पाओगे कुछ लोग हर चीज एक साथ करने लगते हैं इससे वे हड़बड़ी में काम करते हैं उनकी ब्लॉग पोस्ट भी अच्छी नहीं लिखी जाती जिसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता और इस तरह वे ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं इसलिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है अपने गोल्स को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें फिर हर पार्ट का टाइम निर्धारित करें और रोज उस टाइम पर उस कार्य को करें तीन फोकस इज एवरीथिंग जब भी आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो अपना फोकस क्लियर रखें जैसे अर्जुन ने पूरा फोकस चिड़िया की आंख पर लगा रखा था बहुत से ब्लॉगर ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका एक टॉपिक पर फोकस ही नहीं होता छह महीने एक टॉपिक पर लिखेंगे फिर देखेंगे कि ट्रैफिक नहीं आ रहा तो दूसरे टॉपिक पर लिखने लगेंगे इस तरह वे कभी भी एक टॉपिक पर फोकस नहीं करते और उनका ब्लॉग फेल हो जाता है ट्रैफिक आने में एक या दो साल का टाइम लगता है इसलिए ब्लॉगर्स को चाहिए कि एक दो साल तक एक ही नीच पर लिखते रहें तभी वे सफल हो पाएंगे ऐसा ही हर बिजनेस के साथ है हर बिजनेस आम के पेड़ की तरह होता है पेड़ लगाकर आप हर दिन देखने नहीं जाते कि आम लगे हैं या नहीं बल्कि दो से तीन साल तक उसे खाद पानी देते हो या रखवाली करते हो उसके बाद ही उसमें फल आते हैं लेकिन एक बार जब फल आने लगते हैं तो फिर सदियों तक आते ही रहते हैं चार लर्निंग एंड प्रैक्टिकल लेखक ने कहा है कि अगर आपको अल्ट्रा लर्नर बनना है तो उसे एप्लीकेशन से जोड़ कर देखें जैसे अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज एक क्लासरूम में बैठकर सीखेंगे तो जल्दी नहीं सीख पाएंगे लेकिन अगर हम बाहर जाकर किसी फ्रेंच आदमी से टूटी फूटी फ्रेंच में भी बात करेंगे तो उससे कहीं ज्यादा सीख जाएंगे क्योंकि जो आपने क्लासरूम में सीखा वो आपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी किया ऐसे ही बहुत से युवा इंजीनियरिंग करके भी जॉब हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता तो अच्छा यह रहेगा कि वे समर इंटर्नशिप करते रहें और चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज लें अगर उन्हें इसका सर्टिफिकेट मिलता है तो आगे चलकर उन्हें जॉब लेने में बहुत आसानी होगी फाइव डेली एंड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस आपको जो भी स्किल सीखनी है उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी शुरू में ऐसा करना बहुत टफ होगा आपको पेन भी हो सकता है और वो स्किल बोरिंग भी लग सकती है जैसे अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो शुरू में आपको वो काफी टफ लगेगा आपके हाथों में दर्द भी हो सकता है कुछ लोग तो परेशान होकर उसे सीखना ही बंद कर देंगे तो इसका यही तरीका है कि छोड़िए मत बस छह महीने का वक्त पास होने दीजिए बेशक 15 मिनट ही प्रैक्टिस कीजिए लेकिन रोज कीजिए छह महीने के बाद आपको अपने आप ही लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और आप नेक्स्ट लेवल अपर पहुंच जाएंगे इसके साथ ही आप इजी स्टेप्स पहले कीजिए एकदम से हार्ड स्टेप मत करने लागिए जब इजी स्टेप्स में मास्टरी हासिल हो जाए तो आप नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस शुरू कीजिए जैसे वीडियो गेम्स में होता है वैसे ही आप हर स्किल में लेवल टू लेवल क्रॉस करते जाइए टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट कुछ भी लर्न करना हो तो उसके लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है टाइम टाइम पर खुद का टेस्ट लेते रहें इससे आपको अपने स्ट्रांग पॉइंट्स भी पता चलते हैं और वीक पॉइंट्स भी जैसे आप फ्रेंच सीख रहे हों और बिना टेस्ट के सीखते जाएं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितना ग्रामर समझ आया है लेकिन अगर आप कुछ टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज समझ आई है और किसमें अभी आपको और लर्न करना होगा ऐसे ही ड्राइविंग में लाइसेंस बनाने के लिए आपको टेस्ट देना होता है अच्छा तो यह होगा कि सीखते हुए ही आप कुछ टेस्ट देते रहें इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आप अपने वीक पॉइंट्स में सुधार करके अल्ट्रा लर्नर बन जाओगे साथ आउटकम एंड फीडबैक लर्निंग में आउटकम और फीडबैक का भी बहुत ज्यादा रोल है अगर आप कोई चीज लर्न करते जा रहे हैं और उसका कोई आउटकम ही ना निकले तो उसका क्या फायदा है जैसे मान लीजिए आप फ्रेंच सीखते ही जा रहे हैं लेकिन कभी बोल ही ना पाए तो आपका आउटकम तो जीरो ही माना जाएगा ऐसे ही गिटार सीखकर कोई गाना ही न बजा पाए तो कोई आउटकम ही नहीं निकलेगा इसलिए आउटकम पर ध्यान दें पहले ही डिसाइड कर लें कि कितने टाइम में आपको कितना आउटकम आ जाएगा अपने आउटकम को ठीक से वैलिडेट करने के लिए आप दूसरों का फीडबैक जरूर लें जैसे कुछ एक्सपर्ट लोगों को गिटार बजाकर सुनाएं और उनसे पूछें कि आपने क्या अच्छा या बुरा किया उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मांगे इससे वे आपको सजेशन दे पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आपको किस चीज में सुधार करना चाहिए दोस्तों या रिश्तेदारों से फीडबैक ना लें क्योंकि वे आपका दिल रखने के लिए आपकी तारीफ ही करते हैं एक बार आपको फीडबैक मिल जाए तो आप उस पर काम करना शुरू करें अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को और भी स्ट्रांग बना लें और उन्हें अपना एक्स फैक्टर बना लें लेकिन अपने वीक पॉइंट्स में भी सुधार करें आठ अवॉइड क्रैमिंग कुछ लोग सोचते हैं कि रट्टा मारने को ही अल्ट्रा लर्निंग कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप बहुत सी चीजें रट लेते हो तो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी इसके बजाय आप चीजों को खुद करके देखिए मान लीजिए आप एक प्लेन को उड़ाने वाली किताब को पूरा रट लेते हैं तो क्या इससे आप प्लेन उड़ा लोगे बिल्कुल नहीं जब तक आप प्लेन उड़ाने का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप प्लेन नहीं उड़ा पाओगे ऐसे ही स्टूडेंट्स को हर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए जैसे स्कूल की किताब में अगर आपको फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो आप सच में बाहर जाकर एक फूल को देखिए और उसमें उन पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए इससे आप दूसरों से दस गुना ज्यादा सीख लेंगे और इसे आप अल्ट्रा लर्निंग बोल सकते हो नौ इंट्यूशन एंड नॉलेज इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी छठी ज्ञानेन्द्री कई बार आपको किसी चीज का अपने आप ही एहसास हो जाता है उसे ही इंट्यूशन कहते हैं जैसे कभी कभी आपको पहले ही पता लग जाता है कि आप किसी एग्जाम में पास हो जाओगे इसे गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं लेकिन इंट्यूशन के लिए भी नॉलेज चाहिए होता है उसे प्रोसेस करने के बाद ही दिमाग आपको कोई इंट्यूटिव आइडिया देता है जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आया था लेकिन अगर उन्होंने कभी फैंटेसी नॉवल पढ़े ही नहीं होते तो क्या ऐसा आइडिया उन्हें आता इसलिए आपको ज्ञान हासिल करते रहना होगा तभी आपकी इंट्यूशन आपको नया आइडिया देती है और ज्ञान का सबसे मेन सोर्स तो बुक्स ही है लेकिन स्कूल और कॉलेज की बुक्स से काम नहीं चलेगा इस ब्लॉग पर दी गई बुक्स देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है बहुत से इंडियंस को इन बुक्स का पता भी नहीं होता इसलिए आप इन्हें पढ़िए और सबसे आगे रहिए दस जीनियस ऑलवेज एक्सपेरिमेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहें। जो आपको सिखाया गया है उससे हटकर कुछ करके देखें इसमें आप फेल भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ नया करें तभी आप एक अनोखी इन्वेंशन कर पाओगे जो आज से पहले किसी ने नहीं की होगी लेखक ने फेमस पेंटर वैन गोग का एग्जाम्पल दिया है वे शुरू में अच्छे पेंटर नहीं थे वे एक स्कूल ड्रॉप आउट भी थे लेकिन उन्होंने अपने पेंटिंग स्टाइल में हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट किए शुरू में किसी को भी उनके चित्र अच्छे नहीं लगते थे लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने अपना एक खुद का स्टाइल ईजाद कर लिया और इसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया ऐसे चित्र आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे सुने थे और आज वैन गोर सारे वर्ल्ड में फेमस चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं अगर उन्होंने क्लासिकल पेंटिंग ही की होती और नए एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते तो उनके चित्र भी, भी भीड़ का एक हिस्सा होते इसलिए दोस्तों लाइफ में नए एक्सपेरिमेंट करते रहो क्या पता आप भी कोई मास्टरपीस क्रिएट कर दो? दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अल्ट्रा लर्निंग से काफी प्रेरणा मिली होगी और इन पॉइंट्स की मदद से आप भी अपनी लर्निंग में बहुत ज्यादा सुधार कर पाओगे अच्छा लगे तो कमेंट भी करे